देख रहे हैं खटपट न्यूज़। नमस्कार, खटपट न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को लिखा गया पत्र इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा भी एक पत्र वित्त मंत्री को लिखा गया है, जिसमें सेस की वजह से राज्यों को हो रहे राजस्व के नुकसान के बारे में जानकारी दी गई है। इसी का जवाब देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पत्र में बताया है कि कोविड की वजह से पिछले 9 महीने में जीएसटी कलेक्शन में कमी आई थी, लेकिन अभी कोविड का असर कम हुआ है, अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हुई है, पिछले दिसंबर के बाद स्थिति बेहतर हुई है, आने वाले समय में संग्रहण बढ़ेगा तो हमारे राज्य के भी राशि बढ़ेगी। इस पत्र को लेकर अब प्रदेश में राजनीति भी चरम पर पहुंच गई है। लगातार ही प्रदेश के बड़े नेताओं का बयान इस पर आ रहा है। डॉक्टर रमन सिंह ने एक बार में जानकारी देते हुए बताया कि ये राज्य सरकार पर रहता है कि वो अपने रिसोर्सेज को तैयार करे और कैसे आर्थिक मजबूती की ओर जाए। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार का बड़ा फॉर्मूला है, राज्य सरकार जितना भी राजस्व संग्रह कर केंद्र को जमा करता है उसका बड़ा हिस्सा राज्य को वापस मिलता है। उन्होंने बताया कि पहले इसका 32 से 34% राज्य को वापस आता था, लेकिन अब मोदी सरकार ने उसे 42% कर दिया है। राजस्व संग्रह के आधार पर ही राज्य के शेयर में कमी बढ़ोतरी होती है, अर्थव्यवस्था बढ़ोतरी के साथ राज्य के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। वहीं पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा है कि शेष को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अलग से कोई भार नहीं है, पूरे देश के राज्यों में कृषि शेष लगा है, हर चीज का ठीकरा केंद्र पर फोड़ना ये न्योचित नहीं है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इस पर दोहरी पॉलिसी अपनाकर छत्तीसगढ़ सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रही है। देखिए, स्रोत जहां तक बढ़ाने का सवाल है तो ये राज्य सरकार के ऊपर रहता है कि राज्य सरकार अपने रिसोर्सेस को कैसे तैयार करे और किस प्रकार आर्थिक दृष्टि से मजबूती की ओर जाए। केंद्र सरकार का एक बड़ा फार्मूला है कि राज्य सरकार में जितना भी राजस्व कलेक्ट करके केंद्र सरकार को जमा करता है उसका पहले 32 से 34% राज्य को वापस आता था, अभी माननीय मोदी जी ने उसको 42% कर दिया। 42% जो शेयर होता है वो वापस राज्य सरकार को लौट के आता है। राजस्व का कलेक्शन के आधार पे ही उसका शेयर घटता कम होता है। जी हाँ, और एक्साइज ड्यूटी में कमी का मतलब है कि केंद्र सरकार का जो पूल होता है, टैक्सेस का पूल होता है, जिसमें से कि 41% राज्यों को मिलता है, तो पूल में जितनी कमी आएगी राज्यों का हिस्सा उतना कम होगा। तो ये चीटिंग है केंद्र सरकार की तरफ से। आय के साधनों में वो खुद अगर बढ़ोतरी नहीं कर पा रहे हैं तो राज्यों को का हिस्सा इस तरीके से लेना ये अव्यवहारिक है, पूरी तरह से अव्यवहारिक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को लिखे पत्र में उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य को मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी के रूप में मिलने वाली राशि पूर्ववत देने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री बघेल ने अपने पत्र में लिखा है कि वर्ष 2020 और 21 कोविड महामारी के दुष्प्रभाव के कारण वित्तीय दृष्टि से अत्यंत कठिन वर्ष रहा है। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से अनुरोध किया है कि केंद्र की तुलना में राज्यों के पास उपलब्ध सीमित संसाधनों को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य को मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी के रूप में मिलने वाली राशि पूर्ववत प्राप्त होने का निर्णय लेने का कष्ट करे, ताकि राज्य को किसी अतिरिक्त वित्तीय क्षति का सामना ना करना पड़े। इसे लेकर कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर चीटिंग करने का बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि केंद्र सरकार यदि खुद ही आय के साधन में बढ़ोतरी नहीं कर पा रही है, यही वजह है कि राज्यों का हिस्सा इस तरह लिया जा रहा है। उन्होंने इसे पूरी तरह से अव्यवहारिक बताया है। सेस को लेकर इन दिनों राजनीति चरम पर है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि इसे सीधा सौतेला व्यवहार बता रहे हैं, वहीं भाजपा नेता इसे प्रदेश सरकार की दोहरी पॉलिसी बता रही है। वहीं आरोप ये भी है कि प्रदेश सरकार जिम्मेदारी से भाग रही है। आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहे हैं, किंतु इन सब में प्रदेश के सामने बजट को लेकर एक नई समस्या भी खड़ी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज़, रायपुर।